जब गुलाम नबी आजाद साहब जम्मू से सीएम बने, डिप्टी सीएम बनाना था, कश्मीर को डिप्टी सीएम का दर्जा मिला। जब डिप्टी सीएम बनाना था जम्मू से बनाया, हिंदू बनाया, और मेरे खानदान से उसका कोई लेना देना नहीं। हमने लोगों की शिकायतों को कम करना है, हमें हुकूमत और लोगों के दरमियान जो फासला है उसको कम करना है। डिप्टी सीएम बनाना कोई मजबूरी नहीं थी ना, इससे पहले भी जम्मू के डिप्टी सीएम बने हैं, लेकिन वो कोएलिशन में मजबूरी की वजह, मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब अल्लाह मगफिरत करे उन्हें, जब वो वजीर आला बने तो कांग्रेस के साथ उनका अलायंस था, अलायंस को उन्होंने औहदे देने थे, मंगत राज शर्मा जी डिप्टी सीएम बने। जब गुलाम नबी आजाद साहब जम्मू से सीएम बने, डिप्टी सीएम बनाना था, कश्मीर को डिप्टी सीएम का दर्जा मिला। जब 6 साल मेरी हुकूमत चली वजीर आला के तौर पे, मैंने जम्मू कश्मीर की खिदमत की, अलायंस की मजबूरी थी कि ताराचंद जी को हम डिप्टी सीएम बनाएं। इस बार फिलहाल कांग्रेस ने अभी तक मिनिस्ट्री में जो है शामिल होने का जो है कोई फैसला लिया नहीं है, लेकिन हमने तब भी डिप्टी सीएम बनाया, और डिप्टी सीएम भी उसी पार्टी का जिस पार्टी का सीएम, ये उन लोगों के लिए जवाब है जो पिछले इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ उंगली उठा के कहते थे कि ये मुसलमानों की पार्टी है, इस पार्टी में मुसलमानों के अलावा किसी के लिए जगह नहीं, कहते थे ये कश्मीरियों की जमात है, यहां जम्मू का कोई नहीं होगा, कहते थे ये खानदानी राज वाले लोग हैं, इनको खानदान के अलावा कुछ दिखता नहीं। जब डिप्टी सीएम बनाना था जम्मू से बनाया, हिंदू बनाया, और मेरे खानदान से उसका कोई लेना देना नहीं। अब क्या कहोगे, अब क्या कहोगे, क्योंकि सवाल तो हम आपसे भी बहुत कर सकते हैं, लेकिन आज मैं इस मौके का उस चीज के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि लोगों ने जवाब दे दिया। जिस तरह डिलिमिटेशन कराई गई थी ताकि एक पार्टी को उसका फायदा हो, जिस तरह रिजर्वेशन में तब्दीली लाई गई ताकि एक पार्टी उसका फायदा ले, जिस तरह हुकूमत ने अपने मशीनरी का इस्तेमाल किया ताकि एक पार्टी को फायदा हो, उसका नतीजा आपके सामने है। मतलब ये कि ये तमाम हरबे जो हैं ये आपको इलेक्शन तक पहुंचा सकती हैं, लेकिन इलेक्शन जितवा नहीं सकती। लेकिन आसान काम मुझे लगता है हमने कर दिया है यहां तक पहुंच के, अब हमारे लिए मुश्किल काम शुरू हो जाता है, क्योंकि हमने लोगों की उम्मीदों के बराबर उतर आना है, हमने लोगों के मुश्किलात हल करने हैं, हमने यहां की परेशानियों को दूर करना है, हमने लोगों की शिकायतों को कम करना है, हमें हुकूमत और लोगों के दरमियान जो फासला है उसको कम करना है। अब सगोत्रा साहब ने
अपनी तकरीर में जम्मू के हवाले से बहुत सी बातें की कि ये भी मुद्दा है, ये भी है, ये लोग इस बात पर नाराज हैं, उस बात पर नाराज हैं। लेकिन मैं मजबूर होता हूं पूछने पे ना, ये नाराजगी पोलिंग बूथ में हमें नजर क्यों नहीं आई?